जश्ने जैनबे कुबरा आशिकाने अहले बेत खुद्दाम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह शरीफ अजमेर की ओर से जश्ने जैनब इस साल कोरोना संक्रमण फैलने के कारण नहीं मनाया जा रहा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हर साल जश्ने जैनबे कुबरा मनाया जाता है, जो इस साल कोरोना संक्रमण फैलने के कारण नहीं मनाया जाएगा। जश्ने जैनब कुबरा आशिकाने अहले बैत खुद्दाम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह शरीफ अजमेर की ओर से हर साल ये जश्ने जैनब कार्यक्रम मनाया जाता है, जो इस साल नहीं मनाया जा रहा। इस कार्यक्रम का जो खर्चा है वो खर्चा इस नेक काम में लगाया गया, गरीब जरूरतमंद लोगों को राशन की सूखी सामग्री करीब 160 परिवारों को दी गई। सैयद गफ्फार हुसैन काजमी ने बताया कि जरूरतमंद परिवारों को उनके घरों में हमारी टीम द्वारा राशन पहुंचवा दिया गया है। हमारी टीम महीने में दो बार उनको राशन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए देगी। इस नेक काम में सैयद सगीर हाशमी, सैयद गफ्फार हुसैन काजमी, सैयद वकार जमाली, सैयद दानिश अली, सैयद लियाकत हुसैन मोतीवाला, सैयद असर अहमद, सैयद आदिल चिश्ती, सैयद मुजाहिद अली दिल से सेवा दे रहे। साथ ही कमेटी की ओर से लॉकडाउन लगते ही लगातार 150 लोगों को सुबह व शाम खाना दिया जा रहा है। हमारी कमेटी जश्न जैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैह और आशिकाने अहले बैत, हम लोगों ने 160 परिवारों के लिए जो हमसे हो सकता था उसका इंतज़ाम करा। हमने घर घर जाकर लोगों को मालूम करा कि जो ज़रूरतमंद है, कि जहाँ उसको वाकई ज़रूरत है, तो हम अपने हाथ से खुद उन लोगों को जाके घरों पर उनके राशन पहुँचा रहे हैं। और इसके अलावा सुबह शाम दो टाइम हमारी जानिब से, कमेटी की जानिब से दो वक्त का खाना भी दिया जा रहा है, जिसमें 150-200 आदमी डेली सवेरे और शाम को यहाँ पर मीटिंग मतलब बना हुआ खाना लेकर जाना है। और सूखा राशन भी बढ़ रहा है 160 परिवार में। कब से खाना खिला रहे हैं आप? ये कम से कम 22 मार्च से स्टार्ट है और माशाल्लाह अभी तक चालू है, और जब तक देखेंगे हमारे जहाँ तक होगी गुंजाइश को जहाँ तक होगा करेंगे। और ये सेवा है, मालिक ने हमसे मौका लिया है, तो हम इसको जहाँ तक होगा पूरा करेंगे। और हमारे कमेटी के लोग जितने भी हैं सब समर्थन कर रहा है, पूरा साथ दे रहा है, और इंशाल्लाह ताला जहाँ तक होगा करते रहेंगे।